हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबीएस एंड लर्निंग। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे अंकगणित के चैप्टर 1F की, ठीक है। तो जैसा कि हमने 1E कंप्लीट कर दिया था, तो आज हम 1F की तरफ मूव करेंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा 1F में जो शून्य के कुछ गुण दिए गए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद 1F की तरफ मूव करते हैं। तो 1F में शून्य के गुण में क्या दिया है कि शून्य जो होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। मतलब शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? आपको जब स्टार्ट हम किए थे चैप्टर, तभी हम बताए थे परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो पी बटा क्यू के रूप में पाई जाती है, है ना। तो सभी पूर्णांक की अगर हम बात करें तो सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। कैसे? प्लस माइनस और जीरो। जैसे एक संख्या रेखा खींचते हैं, एक तरफ धनात्मक संख्या, एक तरफ ऋणात्मक संख्या और बीच में जीरो, है ना। तो पूरी ऋणात्मक और जीरो, ये सारी क्या है? पूर्णांक ही तो है। तो ये सारे पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या है। तो अब जब जीरो की बात आती है तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जीरो को आप क्या लिख सकते हैं? जीरो बटा एक लिख सकते हैं। देखिए, पी बटा क्यू के रूप में होंगे, तो जीरो भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि सारे पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ठीक। पाँच भी है तो पाँच बटा एक लिख सकते हैं। ऋण पचास लिखा है तो ऋण पचास बटा एक लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारे क्या है? परिमेय संख्या। तो शून्य का एक गुण ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपको आगे भी मिलने वाला है, ठीक। अब हम बात करते हैं शून्य के कुछ प्रगुण। जैसे पहला प्रगुण क्या है? योग का तत्समक अवयव। तो ये प्रगुण क्या है? ये प्रगुण ये कहता है कि अगर किसी संख्या में या किसी पूर्णांक में अगर हम शून्य को जोड़ते हैं, ठीक है, अगर किसी पूर्णांक में शून्य को हम जोड़ते हैं तो हमें जो उसका परिणाम मिलेगा या जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? एक पूर्णांक ही होगा। इसका मतलब क्या होगा? जैसे अगर हम कोई अंक ले लें या कोई संख्या ले लें, उसमें अगर हम जीरो को जोड़ें, जैसे पाँच लिखा है, पाँच में हम जीरो को जोड़ेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? पाँच ही तो मिलेगा। तो पाँच क्या है? पूर्णांक संख्या है, है ना। किसी पूर्णांक में हम जीरो जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? पूर्णांक ही मिला, पाँच। देखिए कैसे, जैसे लिखा है पाँच एक पूर्णांक है, इसमें जीरो जोड़ देते हैं तो हमें परिणाम में क्या मिलेगा? वही एक पूर्णांक बन जाएगा, ठीक। यही चीज़ फॉलो होता है परिमेय संख्या में भी, ठीक। इसका मतलब कि कोई भी परिमेय संख्या है, अगर उसमें हम जीरो को जोड़ें या जीरो को घटाएं तो उस परिमेय संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो परिमेय संख्या में आप जोड़ेंगे या घटाएंगे वही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए लिखा है ऋण चार बटा पाँच, ठीक है, इसमें आप जीरो को जोड़ेंगे, ठीक, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यही तो आएगा, तो चेंज तो होगा नहीं, जीरो तो नहीं हो जाएगा ना, नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आप जोड़ रहे हैं, ठीक। जीरो कब होता है अभी वो कंडीशन भी मैं बताऊंगी इसके बाद, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऋण चार बटा पाँच आ जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए लिखा है पाँच बटा सात, ठीक, इसमें जीरो को घटाएंगे पाँच बटा सात में जीरो घटाएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा? यही परिमेय संख्या ही तो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? योग का तत्समक अवयव। ये हो गया योग का और ये हो गया घटाने का तत्समक अवयव, ठीक है। कि किसी भी पूर्णांक में किसी भी परिमेय संख्या में जीरो को हम जोड़ें या घटाएं तो उस पूर्णांक या परिमेय संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम परिमेय संख्या या पूर्णांक लेते हैं वही हमें वापस से रिजल्ट के तौर पर मिल जाता है। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड है परिमेय संख्या का शून्य से गुणा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या लीजिए या कोई भी पूर्णांक लीजिए, अगर हम उसे जीरो से गुणा करते हैं तो हमेशा आंसर में क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप जानते भी होंगे लेकिन कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ऋण चार का जीरो में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? जीरो ही तो मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी कोई और संख्या ले लें, इसमें भी जीरो से अगर हम गुणा करें तो क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। तो दूसरा क्या है कि परिमेय संख्या का शून्य से गुणा, ध्यान रखिएगा किसी भी परिमेय संख्या में जीरो से गुणा करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा, ठीक। तो ये था दोनों शून्य के प्रगुण दो, ठीक। अब आगे हम देख लेते हैं। तो आपके बुक में आगे क्या दिया है? एक। जैसे शून्य, शून्य के बाद क्या आता है? एक। तो अब यहाँ पे शून्य के प्रगुण की जगह एक के प्रगुण दिया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एक के बारे में, ठीक। एक के क्या गुण? एक मतलब वन, ठीक। वन के क्या गुण? तो परिमेय संख्या के रूप में भी हम एक को लिख सकते हैं। जैसे हम जीरो को जीरो बटा एक लिखे थे,
जैसे एक को भी हम एक बटा एक लिख सकते हैं, है ना। तो एक भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। या पांच बटा पांच लिखा है तो उसको हम एक लिख सकते हैं ना, जैसे लिखा है पांच बटा पांच, ठीक। तो फाइव से फाइव कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, एक ही तो आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम एक लिख सकते हैं और एक को हम एक बटा एक भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे शून्य एक परिमेय संख्या, वैसे एक भी एक परिमेय संख्या है, ठीक। फिर इसकी प्रगुण की अगर हम बात करें तो गुणा का तत्समक। अब ये क्या है, जैसे शून्य वाले में था कि शून्य से अगर हम किसी संख्या में या किसी परिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो उसका मान हमेशा शून्य होता है। लेकिन अगर एक से आप किसी परिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वही परिमेय संख्या ही मिल जाएगी, है ना। कैसे, देखिए, जैसे अगर लिखा है चार बटा पाँच, ठीक। चार बटा पाँच में अगर हम एक से गुणा करते हैं तो आपको यही परिमेय संख्या ही तो मिल जाएगी, चार एक कम चार बटा पाँच, ठीक। तो ये क्या है, गुणा का तत्समक। गुणा का तत्समक अब जो एक के लिए ये कहता है कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम एक से गुणा करते हैं तो वही परिमेय संख्या हमको वापस मिल जाती है, ठीक। तो ये एक का होगा। चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं परिमेय संख्या का प्रतिलोम, ठीक। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है योगात्मक प्रतिलोम, दूसरा होता है गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक। इसके बारे में आप क्लास सिक्स में भी पढ़े हैं, ठीक, लेकिन उतना आपको ध्यान तो होगा नहीं फिलहाल। योगात्मक प्रतिलोम भी पढ़े हैं और क्लास सेवन में गुणात्मक प्रतिलोम भी पढ़े हैं, पर ये होता क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक। क्योंकि अभी जब आप एक्सरसाइज करेंगे 1F तो उसमें इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, तो पता होगा तभी आप इजली कर सकते, ठीक है। तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योग समझ में आ रहा, जोड़, अर्थात कोई ऐसी परिमेय संख्या है, ठीक। मान लीजिए जैसे दिया है पाँच, पाँच में हम क्या जोड़ दें कि हमें आंसर जीरो मिले, शून्य मिले, ठीक। तो आपका आंसर क्या होगा कि हम ऋण पाँच को इसमें जोड़ दें, ठीक। पाँच, पाँच में ऋण पाँच जोड़ देंगे, सी प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा जीरो, ठीक। इसका मतलब पाँच का योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, ऋण पाँच हुआ, ठीक। ऐसे ही अगर हम बोलें ऋण तीन बटा पाँच में हम क्या जोड़ दें कि ये जीरो हो जाए, तो आप क्या करेंगे, ऋण में है तो प्लस का जोड़ देंगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ऋण तीन बटा पाँच का योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, तीन बटा पाँच हुआ, ठीक है। तो अगर जैसे हम बोले आपने दस रुपये उधार लिया किसी से, उधार लिया, मैं बोलूँगी ये उधार जीरो कैसे हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, दस रुपये वापस दे देंगे ना, ठीक है। तो एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा, तभी तो जीरो होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका योगात्मक प्रतिलोम। तो कैसे इसको लिखते हैं, जैसे लिखा है चार का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, इसको लिखेंगे चार का योगात्मक प्रतिलोम बराबर माइनस चार, बस वही चीज चिन्ह बदल देते, ये है योगात्मक प्रतिलोम, ठीक। अब गुणात्मक प्रतिलोम देख लेते हैं क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम से थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे। गुणात्मक प्रतिलोम ये कहता है कि अगर कोई परिमेय संख्या है उसमें हम ऐसी कौन सी परिमेय संख्या से गुणा कर दें कि उसका मान एक आए, कितना है एक, ठीक। योगात्मक में जीरो आना चाहिए, गुणात्मक में एक बोलता है, ठीक। तो जैसे अगर लिखा है पाँच ही ले लीजिए, पाँच लिखा है, पाँच में हम किससे गुणा करें कि हमें एक बोलते हैं, एक बटा पाँच से, ठीक है। अब जैसे अगर हम बोलें कि दो बटा पाँच है, किससे गुणा करें कि एक आ जाए, तो दो बटा पाँच है इसका उल्टा, पाँच बटा दो, ये कट गया, ये कट गया, एक आ गया, ठीक। योगात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते हैं कि जो भी परिमेय संख्या दी उसका उल्टा कर देते हैं, जो अंश में है वो हर में कर देते हैं, जो हर में है वो अंश में कर देते हैं, वो क्या हो जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे अगर हम बोले कि तीन बटा पाँच का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो पाँच ऊपर चला जाएगा तीन नीचे, तो गुणात्मक प्रतिलोम हो गया पाँच बटा तीन, ठीक। और अगर इसी का तीन बटा पाँच का योगात्मक प्रतिलोम पूछता है, योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम में क्या बताए थे, चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन छिपा है, तो
ठीक, यही डिफरेंस है गुणात्मक और योगात्मक पदों में। ठीक, ये